हे गाइज, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सो गाइज, कम से कम 2 से 3 महीने से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था। बहुत मेरे को इतने कमेंट्स और इंस्टाग्राम के ऊपर भी मैसेज आ रहे हैं, क्या आप इतने दिन हो गए वीडियो क्यों नहीं बना रहे, आपका वीडियो क्यों नहीं आ रहा, वीडियो क्यों नहीं आ रहा। एक्चुअली क्या है गाइज, दो रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, ये तो आपको पहले से पता है, उसके डिटेल्स के ऊपर मैं पूरा वीडियो लाऊंगा। सेकेंड बात ऐसी है, क्या मेरे गाड़ी का हुआ है एक्सीडेंट, जो आपके सामने देखो ऐसी कंडीशन है। तो मेरे गाड़ी का एक्सीडेंट इतना डेंजर हो गया, एक महीना पहले संडे के दिन मैं रात को जा रहा था, लास्ट ऑर्डर था मेरा, लास्ट ऑर्डर 12:05 पे मेरे को सिंह रेसिडेंसी का और पिंगारा का मल्टी ऑर्डर गिरा था। तो मैं जा रहा था सिंह रेसिडेंसी से मालिकासन रोड होके पिंगारा, और वहां से ऑर्डर मैं सेकंड ऑर्डर पिकअप करके डिलीवर कर देने के बाद मैं घर आने वाला था। लेकिन क्या होगा, पत्रकार चौक से तो डीएसपी चौक, तो ये रस्ते का काम चालू है, तो एक सिंधी कॉलोनी के बीच में है ना, जो कट लाइन दिया है, जो कि पत्रकार चौक से जो आने वाले लोग डीएसपी चौक में जाने वाले हैं, उनको सिंधी कॉलोनी होके उनको इधर जाना है डीएसपी चौक में। लेकिन एक बंदा इतना ड्रिंक किया हुआ था, वो ट्रक था, एक ट्रक जो कि मैं क्लिप ऐड भी कर दूंगा, वो ट्रक आया, उसने सीधा सीधा मेरे को आमने सामने ठोका। तो मैं आपको सीधा पहले वो इंसिडेंट बताता हूँ, फिर उसके बाद आपको पूरी गाड़ी बताता हूँ, क्या हुआ था, कौन सा रास्ता था, क्या था वो बताता हूँ, फिर उसके बाद आप फिर वीडियो में बने रहना, ठीक है? So guys, ये तारकपुर डीएसपी चौक रोड है, ये तारकपुर बस स्टॉप इधर है, और यहाँ से मैं जा रहा था नाइट में। वो देखो नाला, ये नाला है, ट्रक वाला, मैं इस साइड से खड़ा था, ट्रक वाला सामने से आ रहा था, रात का टाइम था, सामने से आ रहा था, वो इस साइड से आ रहा था, नहीं पहले इस साइड से आ रहा था, तो मैंने इधर ही रुका था। तो मैंने सोचा यार ये शायद नहीं, वहाँ से ही मेरे को इधर ऐसा दिख रहा था, मैंने सोचा ये ड्रिंक किया हुआ है, तो मैं वो इधर ये लाइन से आ रहा था, तो मैंने सोचा इस लाइन से जाऊँगा। जैसे मैं इस लाइन से गया, उसने ये जो बेरी का पेड़ दिख रहा है, ये बेरी के पेड़ के पास उसने मेरे को सीधा आके ठोक दिया इधर। तो इस यहाँ पर मैं गिरा और मैंने वहाँ पर उड़ी मारी, बेरी की झाड़ के पास मैंने उड़ी मारी बराबर, क्योंकि यहाँ पर मैं उड़ी मारने को कुछ मौका ही नहीं था। देखो डायरेक्ट यहाँ पे नाला था। अभी वन साइड कहाँ से चालू किया है वो भी बताता हूँ। चलो यहाँ पर है ना, वन वे चालू होता है, ये रास्ते का काम चालू है बराबर, तो आने वाले भी गाड़ियाँ और जाने वाली गाड़ियाँ यहाँ से कट दिया उनको, उसने यहाँ से आने वाली बात थी, लेकिन वो यहाँ से सीधा 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 आगे गया तारकपुर साइड को। और मैं वहाँ क्यों रुका था, मेरे को मल्टी ऑर्डर गिरा था पिंगारा का, इसलिए मैं वहाँ पर रुका था। देखो रास्ते का काम उस साइड से चालू है, तो आने वाली गाड़ियाँ भी इस साइड से आ रहे और जाने वाले भी इस साइड से जा रहे, तो इसके लिए मैं वहाँ पर रुका था। तो मेरे को मल्टी ऑर्डर गिरा था ना, किसका ऑर्डर गिरा वो देखने के लिए मैं रुका था, और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट किया 10 के स्पीड से उसने ठोक दिया। कुछ ये सिचुएशन थी गाइस। तो गाइस आपने देखा वो रोड कैसा था, मेरा रूट था, मैं सीधे साइड से जा रहा था, सामने वाला ट्रक वाला आया था, जो कि आप देख सकते हो ट्रक वाला इस साइड, आपको बता रहा हूँ इस साइड में उसका फोटो है ट्रक वाले का। तो वो बंदा देखने के बाद ही नशे में लग रहा था, फुल्ली नशे में था, वो इतना नशे में था। क्या उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी गाइस, फ्रंट साइड था ऐसा सामने सामने, तो मैं मेरे रूट से जा रहा था, वो बंदा इधर से आ रहा था, मैं इधर से जा रहा था, तो बंदा इतना ड्रिंक किया हुआ था, और अपना गाड़ी का कैसा मालूम है, इसका हैलोजन लाइट है, लाइट बड़ा पावरफुल है। वो बंदा इधर आया, मैंने सोचा इधर जाऊंगा, मैं इधर गया तब तक तो उसने उड़ा दिया, उसने सीधा सीधा ट्रक से उड़ाया। मैंने क्या, मेरा स्पीड कम से कम 10 से 15 का था, मैं ऐसा था, मैंने इसके ऊपर पैर रख दिया, ऐसा पैर रखने के बाद मैं सीधा रोड के ऊपर कूद गया और गाड़ी मैंने छोड़ दी, गाड़ी उसने सीधा सीधा उड़ाया। अभी गाड़ी का काका लगाया इधर आता हूँ, वो बताता देखो, अभी गाड़ी मेरी पूरी लॉस हो गई है, ये पूरा टूट गया है, ये देखो यहाँ से पूरा रूट टूट गया है, ये नीचे देखो, देखो तुमको नीचे क्लोज करके बताता हूँ, देखो ये भी टूटा है, ये भी टूटा है, ये पूरा चले गया है। उसके बाद ये स्विच बाहर, सामने से देखो, सामने से कंडीशन कुछ ऐसी है, सामने से अपना YouTube का लोगो था वो भी चले गया है। उसके बाद इस साइड से भी बहुत सारा टूटा है, उस साइड से भी टूटा है, उधर से तो मैं कैमरा पीछे साइड का पूरा गया है, पीछे साइड का देखो, ये पूरा मदगढ़ पूरा हिल रहा है, ये साइड से भी पूरा क्रैचेस है। तो बात ऐसी गाइस, अभी मेरे को इसको कराना है इंश्योरेंस में काम, मेरा गाड़ी का इंश्योरेंस फुल इंश्योरेंस है, तो अभी मेरे को उसके लिए क्या करना पड़ेगा, FIR की कॉपी और उसके बाद
जो स्पॉट पंचनामा है, जो स्पॉट इन्वेस्टिगेशन वो जो होता है ना, स्पॉट पंचनामा वो लेके मेरे को इंश्योरेंस क्लेम करके टीवीएस के शोरूम जाना है। तो अभी मैं एक दो दिन में प्रोसेस करूंगा इसका। मेरा पिछला अगला फ्रंट मफलर टूट गया था ना, तभी मेरे को कम से कम एक महीना लगा था। अभी पूरा गाड़ी का कम से कम प्लास्टिक के हिसाब से पूरा प्लास्टिक तो 80% गया है उसका। ये जो बड़ा बड़ा जो दिख रहा है ना आपको, इसको बहुत सारे अंदर से क्रैचेस से बेंड है, ये कुछ अच्छा नहीं है, ये पूरा खत्म हो गया है। लेकिन अभी दिख रहा है ऐसा मोटा मोटा तो आपको बस यही दिख रहा है, लेकिन बारीक बारीक बहुत सारे आइटम चेंज होने वाले इसके अंदर। और गाड़ी की चेसी थोड़ी बेंड है, गाड़ी ऐसी सीधी नहीं है, गाड़ी ऐसी थोड़ी झुक रही है। फ्रंट का टायर इधर है, लेफ्ट का टायर इधर है, बाहर आया है, चेसी पूरी बेंड है। तो मैंने शोरूम के वर्कशॉप मैनेजर से बात किया है, उनको बताया मैंने जो सिचुएशन मेरी है, तो मैंने पूरी तरीके से बताया। उन्होंने बोले भाई गाड़ी को कम से कम 1 से 2 महीना लगेगा बनने के लिए, ठीक है। तो उसको मैंने, जो ट्रक ड्राइवर था, हमने उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इतने आसानी से उसने वो भागने की कोशिश किया, गाड़ी उड़ा के वो चले गया था। उसको आगे जाके पकड़ लिया हमने, उसका पकड़ने के बाद पूरा फोटो वीटो बनाया। लेकिन वो ड्रिंक किया था, फुल ड्रिंक एंड ड्राइव था। तो फिर मैंने बोला अभी उसको कुछ मार के और कुछ करके मतलब नहीं, उसके सेट से मालक से बात किया। मालक ने बोला ठीक है, जो भी आप सुबह देख लेंगे हम सेटलमेंट कर देंगे, दूध का टैंकर है, हमारा टैंकर जाने दो। तो फिर मैंने बोला नहीं, फिर पुलिस स्टेशन में लेके गया गाड़ी, मेरा भी लेके गया, टैंकर भी लेके गया। फिर वहां से सेटलमेंट हो गया। तो उसने बोला जो भी खर्चा है सुबह मैं दे दूंगा, सुबह दे दूंगा बोला। उसके ऊपर यकीन करके मैंने गाड़ी छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद उसने एक महीना मेरा कुछ रिप्लाई ही दिया नहीं ना उसने कुछ। उसने बोला फिर डायरेक्टली बोला केस कर दो, कंप्लेंट कर दो, जो करना है कर दो, मेरे गाड़ी का फुल इंश्योरेंस है, मेरे को जो मिलने वाला है मिलेगा, लेकिन अगर आप केस करोगे तो आपको थर्ड पार्टी मेरे तरफ से मिलेगा 3 से 4 महीना, जो कि कोर्ट के तरफ से मिलेगा, कोर्ट कचहरी करना पड़ेगी। मैंने बोला इतना लफड़ा करने को मेरे पास नहीं है टाइम, मेरे घर पे पेशेंट है, अम्मी बीमार है, मेरे पास नहीं है टाइम। तो फिर अभी मैंने मेरे प्रोसेस किया, मैं मेरा गाड़ी खुद शोरूम में डाल दूंगा। आज संडे, कल मंडे को, आज संडे नाइट को ही, कल सैटरडे के दिन मैंने एफआईआर सब कुछ कर दिया है। तो अभी मैं जाऊंगा टीवीएस के शोरूम में, इसका प्रोसेस कर दूंगा। फिर उसके बाद में जो भी तुमको मैं मम्मी की अपडेट दूंगा, क्या कंडीशन है मम्मी की। तो फिलहाल गाड़ी की कुछ ऐसी कंडीशन है, गाड़ी चलने के लायक नहीं, गाड़ी चालू हो रही है लेकिन भाग नहीं सकती। उसका पूरा देखो आवाज आ रहा है, पूरा मतलब पूरा लॉस हो गई ये गाड़ी। तो मैं बस यही बोलना चाहूंगा गाइस, अगर आप नाइट में ट्रैवल करते हो या तो कुछ करते हो, मेरी तो गलती जीरो गलती नहीं थी मेरी, मैं तो ऑलरेडी खड़ा था, मैंने देखा वो जरा ऐसा ऐसा चल रहा है तो मैं साइड को रुकूंगा। लेकिन आपने वो लोकेशन देखा, उस लोकेशन पे इस साइड नाला था, तो मैं इधर उड़ी मार नहीं सकता था। इस साइड डिवाइडर की जो बैरिकेडिंग थी उसको मैं कूद नहीं सकता था, तो फिर ऐसी सिचुएशन में था तो मेरे को चांस ही नहीं था। तो मैंने उड़ी तो मार ली, मेरे को लगा कि इतना, मेरे को बस ये राइट लेग को है ना, इधर पाँव में मोच आई है, पाँव में मोच अभी तक भी दर्द है उसका, कुछ मैंने एक्सरे नहीं करवाया तक। और उसके बाद थोड़ा सा पेट को लगा था, ऐसा मेरे को महसूस हुआ था, ज्यादा कुछ लगा नहीं था, ब्लडिंग जैसा कुछ इश्यू नहीं था, ब्लडिंग जैसा कुछ लगा नहीं था। और मैं फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन गया, पुलिस स्टेशन वालों ने मेरे को सिविल में मेडिकल के लिए भर्ती करवाया। उसका फोटो आप देख रहे हो, मैं साइड को फोटो लगाया, मेडिकल में मेडिकल करवाया मेरा। फिर उसके बाद मेडिकल जांच हुई, फिर उसके बाद उसका क्या है, उसको पिया हुआ है, खुला सामने आमने दिख रहा है, फुल पिया हुआ है, तो उसका कुछ मेडिकल हुआ ही नहीं, क्योंकि उसको बात करते नहीं आ रही थी ड्राइवर को। तो गाइस कुछ ऐसी सिचुएशन थी, 2 महीने से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था। मेरे को बहुत जन बोल रहे क्यों भाई आपने यूट्यूब स्किप किया, क्या क्या किया, मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ उसका मैंने वीडियो डाल दिया, उसके बाद मैंने कोई वीडियो डाला नहीं। और गाइज दूसरी बात क्या है, मेरा चैनल भी मोनेटाइज हुआ और मेरे अकाउंट पे डॉलर अर्निंग भी आ रही है, डॉलर की अर्निंग भी हो रही है, बट इतनी खास नहीं क्योंकि मेरा यूट्यूब टोटली बंद है और वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूं, तो फिर कहां से डॉलर अर्निंग होगी, क्या होगा। और जोमेटो भी इधर पूरा ठंडा चल रहा है, मैंने भी डिसीजन ऐसा लिया है जैसे मेरी गाड़ी का काम हो जाऊंगा वैसे ही मैं पुणे चले जाऊंगा, पुणे शिफ्ट हो जाऊंगा। हाँ एक मेन बात, मेरा मोबाइल फूटा था, जो मोबाइल से मैं शूट कर रहा था वो मोबाइल भी फूट गया था। मेरे को उस सिचुएशन में कुछ भी नहीं करते आए, मैंने मेरे फ्रेंड को बुलाया के लिए, मेरे फ्रेंड ने जो भी मैंने ट्रक के ड्राइवर के जो भी वीडियो अपलोड जो भी किए होंगे ना, ये सब मेरे दोस्त के मोबाइल के कैमरे की फुटेज है, मेरी फुटेज नहीं है। मेरा मोबाइल अभी जो वीडियो बन रहा है वो मेरा वन प्लस नॉट 2 भी पूरा फूट गया था, उसका डिस्प्ले टच सब कुछ चले गया था। फिर उसके बाद मैंने पुणे में जाके इधर नगर में बनने के लिए 1 महीना 15 दिन
15-20 दिन बोल रहे थे, पुणे में गया हड़पसर मगरपट्टा में सीजन मॉल के अंदर मैंने वन प्लस का वन प्लस शोरूम में जाके 10-12 हजार रुपए खर्चा करके मेरा मोबाइल बना के लाया है, जो कि उसका भी मैं आपको इमेज लगा रहा हूँ, आप देख लेना मेरा मोबाइल की क्या कंडीशन थी। ऐसी ऐसी हालत में मेरा मोबाइल भी हो चुका था, ना फोन आ सकते ना कुछ आ सकते। उस सिचुएशन में मेरे को ऑर्डर था मेरे पास सिंह रेसिडेंसी का, ऑर्डर गिरा पड़ा, मैं गिरा पड़ा, गाड़ी एक तरफ गिरी पड़ी, मेरे को कंपनी के फोन, सर आप ऑर्डर कितने देर में डिलीवर कर दोगे, सर आप ऑर्डर कितने देर में डिलीवर कर दोगे। मैंने बोला क्या बेवकूफ कंपनी है, इधर सिचुएशन ऐसी कोई बंदा मर जाएगा उसको कॉल के ऊपर कॉल कर रही कंपनी, सर आप ऑर्डर बोलो ना कितने देर में दोगे, सर आप पिंगारा के ऑर्डर कब लोगे। मेरा ऐसा दिमाग खराब हुआ, मेरे दोस्त ने फोन उठा के कंपनी को ऐसे उल्टी सीधी बात सुनाई ना, तब जाके कंपनी भी फिर ऑर्डर उन्होंने कैंसिल करवाया और कुछ जाके फिर अगली प्रोसेस ऐसी हुई। सो गाइस आई होप कि मैं कोशिश करूंगा मेरी गाड़ी बनने के बाद रेगुलरली अपडेट दूं आपको और डेली वीडियो डालूं, कोशिश करूंगा मैं। मेरा गोप्रो भी धूल खाते पड़ा है, मेरे कुछ गोप्रो भी बेचा नहीं है, मेरे को चल रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ डेली ब्लॉगिंग करने की, लेकिन मेरे से नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरे पीछे बहुत हैडेक है, बहुत टेंशन है, गाड़ी है, घर का, फैमिली का, बहुत बोले तो बहुत परेशान हूँ मैं। कोशिश करूंगा मैं इंशाल्लाह हो सके उतना डेली अपडेट करने की, डेली वीडियो बनाने की। अगर जैसे जैसे वीडियो आएंगे उसी से आप देखना और वीडियो को प्यार देना, और मेरे को थोड़ी सपोर्ट की जरूरत है गाइस, प्लीज सपोर्ट करना। मेरी फिलहाल वीडियो बनाने की कंडीशन नहीं है, मैं क्या मेरे को क्या सपोर्ट की जरूरत है, मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बनाऊंगा, ठीक है गाइस। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आएगा प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बड़े दिनों के बाद वीडियो बनाए हो गाइस, प्लीज सपोर्ट करना। मिलते कोई अच्छे से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।